कांग्रेस ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में गोवा, मध्य प्रदेश और दादर नगर हवेली की 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। इस लिस्ट में किस किस को कहां कहां से बनाया गया है उम्मीदवार, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनावों के मतदान के लिए बस 2 हफ्ते का समय ही बचा है। ऐसे में सभी पार्टी चुनाव प्रचार और उम्मीदवारों के नामों के ऐलान करने में जुटी हुई हैं। इसी क्रम में कांग्रेस ने गोवा, मध्य प्रदेश और दादरा नगर हवेली की 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, जिसमें एमपी की 3 और गोवा की 2 और दादरा नगर हवेली की 1 सीट से उम्मीदवार घोषित किया है, जिसमें एमपी की ग्वालियर सीट से पूर्व विधायक प्रवीण पाठक, मोरेना से पूर्व विधायक सत्यपाल सिंह सिकरवार और खंडवा से नरेंद्र पटेल को टिकट दिया गया है, जबकि नॉर्थ गोवा सीट से रमाकांत खलप और साउथ गोवा की सीट से कैप्टन विरियाटो फर्नांडिस को उम्मीदवार बनाया गया है। दादरा एंड नगर हवेली सीट से अजीत रामजी भाई महाला चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि कांग्रेस एमपी की 29 सीटों में से अब तक 28 सीट से उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, जबकि खजुराहो सीट सपा के लिए छोड़ी गई है। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए गुरुवार को उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की थी। इस लिस्ट में 3 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए थे। ये तीनों कैंडिडेट गुजरात के लोकसभा क्षेत्रों से उतारे गए थे। पार्टी ने सुरेंद्रनगर से ऋत्विक भाई मकवाना, जूनागढ़ से हीरा भाई जोटवा और वडोदरा से जसपाल सिंह पड़ियार को टिकट दिया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।